दूर घने जंगल में काली अंधेरी जगह थी, जहाँ चुड़ैल का महल था। उस महल में एक चुड़ैल रहती थी। वह काफी डरावनी थी, लेकिन वह कभी मनुष्य हुआ करती थी। वह चूड़ियाँ बेचा करती थी। एक बार एक सेठ के यहाँ वो चूड़ियाँ बेचने गई। वहीं उसने देखा कि सेठ की तिजोरी खुली पड़ी है। उसे लालच आ गया। वह सेठ की तिजोरी में से पैसे निकालने लगी। तभी सेठ ने उसे देख लिया तथा उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर सकी तथा उसकी मृत्यु हो गई और वो एक चुड़ैल बन गई। वहीं कुंदल देश में राजा वीरसेन राज्य करते थे। उनकी एक बेटी थी माला। माला काफी खूबसूरत थी। राजा रानी माला से काफी प्रेम करते थे। यह वही राजा थे जिसने चूड़ी वाली को सजा दी थी। एक दिन शाम में माला अपने महल के छत पर टहल रही थी। तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई आई, वहाँ से माला को उड़ाकर अपने महल में ले गई। माला काफी डरी थी। उसने चुड़ैल से कहा, ककत कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? यह कितनी गंदी जगह है। तुम मुझे जल्दी मेरे महल में पहुँचा दो। मेरे पिताजी को यह सब पता चलेगा तो वे तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। हा, चुप कर मूर्ख राजकुमारी, तू मुझे जानती नहीं है। अब कैद रह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ। यह कहकर चुड़ैल ने एक मंत्र फूका तथा देखते ही देखते राजकुमारी एक तोते रूपी इंसान में बदल गई। चुड़ैल ने उसकी सारी याददाश्त खत्म कर दी तथा महल में कैद कर दिया। वो सिर्फ महल में तथा महल के आसपास मैदान में ही घूम सकती थी। उसे अब अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहीं राजा रानी ने अपनी बेटी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, परंतु सब असफल रहा। पूरा राज्य अपनी राजकुमारी के नहीं मिलने पर दम में डूब गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन तोता राजकुमारी अपने बाग में घूम रही थी। तभी एक भैंस उधर से घास चरने के लिए आया। तोता राजकुमारी उसे भगाने लगी। तभी वो भैंस बोला, मुझे मत भगाओ राजकुमारी, यहाँ की घास बहुत अच्छी है। कृपया मुझे घास खाने दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। तोता राजकुमारी को भैंस पर दया आ गई तथा उसे घास चरने दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। भैंस रोज घास चरने के लिए वहां आने लगा तथा दोनों में काफी दोस्ती हो गई। जब चुड़ैल वहां आती थी तब तोता राजकुमारी भैंस को छिपा दिया करती थी। चुड़ैल के चले जाने पर दोनों खूब बातें किया करते थे तथा खेलते थे। एक दिन राजकुमारी ने भैंस से पूछा कि तुम बाहर से आते हो, बाहर की दुनिया कैसी होती है? मैं कभी भी बाहर नहीं गई, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। भैंस ने कहा, ठीक है, अभी तो शाम हो गई है, मैं कल आऊंगा, तुम मेरे साथ चलना। दूसरे दिन राजकुमारी सुबह सुबह बाग में आ गई, लेकिन उसके पीछे पीछे चुड़ैल भी आ गई। भैंस ने चुड़ैल को दूर से ही देख लिया था, इसलिए वह वहाँ नहीं आया तथा दिन बीत गया। अब राजकुमारी उदास हो गई। दूसरे दिन वह बाग में उदास बैठी थी, तभी भैंस वहाँ आया। उसने कहा, चलो राजकुमारी सैर करने के लिए बाहर चलते हैं। भैंस ने राजकुमारी को अपने ऊपर बिठा लिया तथा उसे सैर कराने के लिए ले गया। उसने बगीचे देखे, चिड़िया देखी, झरने देखे, नदी देखी। वो काफी खुश थी। काफी चलने के बाद वे दोनों थक गए थे तथा एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ एक नदी बह रही है। उस नदी का पानी काफी साफ था तथा सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। उन्हें प्यास भी लग रही थी, इसलिए वो दोनों पानी पीने लगे। वो नदी एक तिलस्म तोड़ने वाली नदी थी। इस कारण पानी पीते ही तोता राजकुमारी अपने पहले रूप में आ गई। उसे उसकी याददाश्त भी वापस लौट आई तथा भैंस भी एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी ने पूछा कि तुम तो एक राजकुमार हो, तुम भैंस कैसे बन गए थे? राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, मैं विजयनगर का राजकुमार हूँ। मैं काफी उदंड था। एक बार हमारे राज्य में भारी यज्ञ हुआ था।
लेकिन जैसा कि मैं उदंड था, मैंने उस यज्ञ में काफी सारी भैंसे छोड़ दी, जिससे उनका यज्ञ भंग हो गया तथा उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि तुम भैंस में बदल जाओगे तथा पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। तब तोता राजकुमारी से तुम्हारी मुलाकात होगी तथा तिलस्म नदी के पानी पीने के बाद ही तुम्हारा श्राप खत्म होगा। इस तरह हे राजकुमारी, मेरा श्राप खत्म हुआ। अब वो अपने अपने देश को लौट गए। यह देखकर राजा रानी तथा सारी प्रजा बहुत ही खुश हुई। कुछ दिनों के बाद राजा रानी ने दोनों का विवाह करा दिया। तांत्रिक के सहायता से चुड़ैल तथा चुड़ैल के महल में आग लगवा दिया गया और वो जलकर वहीं राख हो गई।